हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आप मेरे साथ हैं डिफेंस वाला चैनल पे और हम करने जा रहे हैं विक्रांत बैच का लेक्चर नंबर 6। तो गाइस, आज मैं आपको क्या पढ़ाने जाऊंगा, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये मान लीजिए कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप सोचेंगे सर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैसे है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चन ना आए। कहने का मतलब है कि या तो इंग्लिश ही नहीं आएगी उस एग्जाम में, अगर आएगी तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन हमेशा रखा होगा। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, CDS के, DA के, SSC के या बैंक PO के, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जहां पे इंग्लिश पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव, तो याद रखिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन हर हाल में आता है और आपके एग्जाम में भी CDS में भी भर भर के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी ना हल्के में तो नहीं लीजिएगा, है ना, कि कोई ऐसी बात नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा। मैं कोई शक नहीं है कि चैप्टर निहायत ही ईजी है, बट होता क्या है कहीं कहीं ट्रिकी हो जाता है। जो चीज़ें ज़्यादा ईजी होती हैं वो ट्रिकी हो जाती हैं, तो बस उन ट्रिक्स को आपको समझना है और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसमें से एक बड़ा पोर्शन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं ना, जिसका हम एक क्विक रिविजन करेंगे। और एक बात मैं आपके प्यार में बता दूं, कि हम आज इसके मतलब वोकैब भी करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आज हम वोकैबलरी भी करेंगे, साथ ही साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम डिटेल में करेंगे, डिटेल में, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स, है ना, मजा आ जाएगा। तो एक बार पहले क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन जानते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में पहली क्लास में, जो पहली क्लास थी जहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैंने आपको उसमें बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कराया था। याद होगा जो सच्चे चीते होंगे, है ना, और जो बेचारे चमन चीते होंगे वो भूल चुके होंगे। देखिए मैं बता देता हूं, फिर भी कुछ याद आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे प्लूरल और ये सारे के सारे सिंगुलर। आपको मैंने बताई थी कि एवरी वर्ब हैज गॉट 5 पॉसिबिलिटीज, जैसे ईट का ईट्स भी होता है, एट भी होता है, ईटन भी होता है और ईटिंग भी होता है। याद आ रही है बात, मैंने बताया था ये फर्स्ट फॉर्म है, मैंने बताया था ये वाली सिंगुलर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये वाली ING है। अरे याद आ रहा है ना, हाँ। तो मैंने बताया था अगर हम बोलते हैं We love, हमें कहना पड़ेगा He loves। अगर हम बोलते हैं She works, तो हमें कहना पड़ेगा You work। अगर आप कहते हैं They play, तो कहना पड़ेगा It plays। अगर आप कहते हैं Bird flies, तो कहना पड़ेगा Bird fly। समझ आ गई बात। S और ES अगर यहां नहीं लगेगा, यहां लगा हुआ है तो यहां नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगा है तो यहाँ लग जाएगा। ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ दोबारा से, पहली क्लास में बहुत डिटेल में ये बात मैंने बताई है, जहाँ पर 8 यूनिवर्सल रूल करे हैं, तो पहला रूल इसी के ऊपर बेस था, अगर आपको याद हो तो, उसी का एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने बताया था एक होता है आई जो अलग चलता है, ये होता तो सिंगुलर है, एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, लेकिन वर्ब हमेशा अपने साथ प्लूरल ही लेता है, है ना, हमेशा आई के साथ प्लूरल वर्ब आते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि इन सब के साथ आप यूज करते हैं आर और इन सब के साथ आप यूज करते हैं इज, इन सब के साथ आप यूज करते हैं वर और आई के साथ आप वॉस ही यूज करेंगे, वर नहीं करेंगे, ठीक है। इन सब के साथ भी आप वॉस का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने बताया था आपको इन सब के साथ आप यूज करते हैं हैव, आई क्योंकि प्लूरल वर्ब लेता है तो आई के साथ हैव और इन सब के साथ आप हैस का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी,
ये था हमारा बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल आएगी। और पहचान क्या है, याद रखिए ये वाली वर्ब हमेशा प्लुरल होती है विदाउट एस और एस, जिसमें एस और एस नहीं होगा वही प्लुरल होगी, और ये वाली जिसमें एस या फिर ई एस होगा वो सिंगुलर होगी, ऐसा हम वर्ब के लिए करते हैं। ये बात हम बार बार सीख चुके हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब सवाल आता है कि यही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, नहीं बाबू, यहां से तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट शुरू होता है, ये आपने पढ़ा है बेसिक, ये आपने बेसिक पढ़ा है, ठीक है। और अब मैं बेसिक से आपको एडवांस पे लेके जाऊंगा, पर उससे पहले हम करने वाले हैं कुछ वोकैबुलरी। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया है ना, हर क्लास में आपको कुछ वोकैब जरूर दी जाएगी और इस क्लास में भी आपको कुछ वोकैब जरूर दी जाएगी। तो भाई पहला वर्ड आप जो करने जा रहे हैं जिसके सिनोनिम वो है आपके पास कीन, के डबल ई एन, कीन। कीन जानते हैं आप कौन होता है? कीन का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कुछ करने के लिए उतावला है, बहुत ही ज्यादा ईगर है। ईगर का मतलब क्या होता है? हाँ, कीन का मतलब क्या होता है, आप ईगर भी कह सकते हैं, ईगर, कीन, उतावला, है ना, या कुछ ऐसा जो मतलब बेकरार है किसी चीज को करने के लिए ना, और मतलब कह सकते हो अविड, फर्वेंट, एफ ई आर वी ई एन टी, कहते ना ही इज शी इज एन एविड डांसर, एविड का मतलब होता है एकदम दिल से डांस करती है, खुल के नाचती है। फर्वेंट का मतलब कैसा आता है, वार्म, कि कोई चीज को जब आप खुशी खुशी करते हो, बड़े मन से करते हो, तो आप क्या हो जाते हो, फर्वेंट हो जाते हो। इसके लिए आप आर्डेंट भी कह सकते हैं, आर्डेंट, जेलस। अच्छा, ये आर्डेंट का मतलब क्या होता है, आर्डेंट का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, आर्डेंट का मतलब होता है होपफुल, और आप होपफुल किस चीज के लिए होते हो, जिसके बहुत मन से कर रहे होते हो, जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान से वीडियो देख रहे हो, क्यों, क्योंकि आप इसके लिए आर्डेंट हो, होपफुल हो, आपको पता है कि बढ़िया होगा आने में, आने वाले टाइम में सब। जेलस कहां से बना, जेलस बना वर्ड जील से, जील क्या होती है, जील का मतलब होता है इंथुजियाज्म, तो इंथुजियाज्म मतलब जोश, इंथुजियास्टिक एक और वर्ड हो जाएगा किसके लिए, जेलस के लिए। तो ये सारे के सारे कीन, ईगर, अवेट, हाँ बड़ा दूर लिख दिया मैंने, ठीक है, कीन, ईगर, अवेट, फर्वेंट, आर्डेंट, जेलस, ये सारे के सारे कौन है, समवन हु इज मतलब वेरी मच कीन अबाउट समथिंग। एक वर्ड और लिख लीजिए इसमें, परफेरेट, पी ई आर एफ ई आर आई डी, परफेरेट, परफेरेट भी कौन होता है, समवन हु इज वेरी कीन, परफेरेट, इसकी स्पेलिंग सही कर दो, परफेरेट। तो ये सारे के सारे याद रखिए उतावले हैं, उतावले, है ना। इसके लिए अगर कुछ आप हार्श वर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप डेस्परेट भी यूज कर सकते हैं, डेस्परेट, डेस्परेट, ऑब्सेस्ड, ओ बी एस ई डबल एस ई डी, ऑब्सेस्ड मतलब किसी चीज के पीछे एकदम दीवाना, पागल। तो डेस्परेट और ऑब्सेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, और ये थोड़े से लाइट है, ये एकदम दीवाना हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, मैनियाक भी कहते हैं, मैनिया, मानिया से बना है, तो मैनियाक, डेस्परेट, ऑब्सेस, ये सारे के सारे कौन हो गए, कहीं ना कहीं तीन के ही सिनोनिम्स हैं, पर ये बहुत ही हार्श सिनोनिम्स है। अब एक इसका उल्टा होता है, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना, मतलब जिसको है कि हाँ उतावला नहीं है पढ़ाई के लिए भी, किसी भी चीज के लिए उसे लगता है अच्छा ठीक है पढ़ाई है कर लूंगा अभी तो बहुत टाइम है, एपेथेटिक है, एपेथेटिक, एपेथेटिक, टॉरपोर, कैजुअल, इंडिफरेंट,
कैलस, कैलस का मतलब होता है निर्दयी, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब बात ये वाली है, तुमने कहा कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देखो मैंने अपने हाथ पे तुम्हारा नाम लिखा है, ठीक है, तो इससे तुमसे कहा बस हाथ पे लिखा है, मुंह पे क्यों नहीं लिखा, बदन पे क्यों नहीं लिखा, पूरे बदन पे मेरा नाम लिख ले और लौट जा जमीन में मेरे लिए, मुझे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की कौन है भाई, कैलस है, फोकस्ड है, पढ़ाई कर रही है, सीडीएस में जाएगी, ऑफिसर बनेगी। तो कौन है एपेथेटिक, एपेथेटिक कौन होता है जिसको फर्क नहीं पड़ता है, इनडिफरेंट है, आप कुछ भी करें ना, मतलब वो ना ही वो इंप्रेस होगा ना ही वो इस चीज से जलेगा, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। दो वर्ड और इसमें आप ऐड कर लीजिए, इम्पैसिव, और अनकंसर्न्ड, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे सिनोनिम है, और ये दोनों आपस में एंटोनिम है। जो वर्ड होता है कीन, ईगर, इसका मतलब होता है उतावला, डेस्परेट, इसका उल्टा वर्ड है एपथेटिक, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, हाँ ठीक है जो चल रहा है जैसे चल रहा है, ये इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, अनइंटरेस्टेड, अनरिस्पॉन्सिव भी कह सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ड्स आज आपको इसमें मिल गए हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे, और आगे की कहानी चल देगी किस पे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। अब आप एक बात तो जान गए कि बेसिक आप मेरे से पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मैंने आज ही पढ़ाया। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेवल पे, कि जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तब बेसिक कर लेते हैं, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू माइट फेस, अब क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज मैं आपको क्वेश्चन से ही सिखाऊंगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको आता रहेगा। तो भाई मेरे याद रखो क्वेश्चन कितने हैं, अरे कितने क्वेश्चन है बेटा, 50 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हैं, हर दिन की तरह क्वेश्चन है आज भी 50, 50 क्वेश्चन स्टैंडर्ड। और आज जैसे आपने कल लास्ट क्लास में मुझे अपना स्कोर बताया, आई फील सो गुड, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, 40 प्लस स्कोर किया, ठीक है। तो इट वॉज वेरी, मतलब इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, जब मैंने देखा कि आपने 40 प्लस स्कोर किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में, तो मुझे लग रहा है मेरा चेता मेरे साथ चल रहा है, और इस बार तुम फोड़ के आओगे सीडीएस जबरदस्त तरीके से, है ना। तो बस इसी जोश को बरकरार रखना है, ऐसे ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहना है कि क्लास कैसी लगी, और ये भी बताते रहना है कि क्वेश्चंस कितने आपने अटेम्प्ट करे। तो आज भी टारगेट है आपका, आज क्योंकि चैप्टर नया नया पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, 35 सही कर देना बस, 35 out of 50 ये आपका टारगेट स्कोर है। अब देखते हैं कौन कौन अपना आज का टारगेट स्कोर, ये चैलेंज स्कोर, टारगेट स्कोर आज का कौन कौन पूरा कर पाता है, ठीक है। नया चैप्टर है, हियर वी गो। तो लो भाई पहला क्वेश्चन है, बकरी का बच्चा भी बता देगा, ठीक है। अब ये तुम्हें एक बात तो पता है कि भाई जब भी दो चीजें एंड से जुड़ गई, जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क पे डिविडेंड, जो ईमानदारी है और मेहनत है वो उसका फल मिलता है। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई मेरे बच्चे, एक ईमानदारी और दूसरी मेहनत, और इन दोनों अलग अलग चीजें, तो क्योंकि ये दो चीजें हैं तो ये प्लूरल हो गया, अरे एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, प्लूरल हो गया। तो आप वर्ब भी कैसे यूज करेंगे मेरे बच्चा, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल, समझे। जैसे मैंने कहा मनी एंड रिसोर्सेस, हैव टर्न्ड हिम करप्ट, क्या मतलब हुआ कि पैसे ने और जो उसको आसाइशें मिल गई, रिसोर्सेस मतलब पैसा भी है, गाड़ी भी है ना, बेहतरीन फोन है हाथ में, जाने के लिए घर में बाइक भी खड़ी है, सब कुछ है, तो इससे क्या हो गया, करप्ट हो गया है। तो मनी एंड रिसोर्सेज हैव टर्न्ड हिम करप्ट, तो दो चीजें हैं, पहली है मनी और दूसरा है रिसोर्सेज, तो कुल मिला के दोनों क्या हो गए, प्लूरल हो गए। और अगर प्लूरल हो गए तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, हैव होती है प्लूरल वर्ब, गली का बच्चा बच्चा जानता है, और आप समझ गए हैं राम एंड श्याम दो आदमी, तो ये हैज नहीं होगा भैया, क्या हो जाएगा, है, क्वेश्चन खत्म, आंसर इज बी,
राम एंड श्याम दो आदमी है, हैव बिजनेस पार्टनर्स, हैव नहीं हो सकता बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है बात हुई, हैव बिजनेस पार्टनर्स का मतलब है कि उनके बिजनेस पार्टनर है, आपको कहना पड़ेगा आर बिजनेस पार्टनर्स, वे खुद बिजनेस पार्टनर है, आर क्यों स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा, फॉर्म ऑफ बी है, याद आया नहीं आया, फॉर्म ऑफ बी स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, हो ना बताता है, एट यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया था, एट यूनिवर्सल रूल अगर नहीं पढ़े है ना तो अंग्रेजी आएगी नहीं, हर क्लास में बता रहा हूं मैं तुम्हें, इसलिए एट यूनिवर्सल रूल अच्छे से होना ही चाहिए, तो आंसर हो जाएगा मेरे चीते बी, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का समय। अब कह रहे हैं राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, कितने आदमी हैं सांभा, कितने आदमी हैं, दो आदमी हैं, एक राहुल है और बाकी उसके दोस्त है, तो दो से ज्यादा ही हो गए ना, तो ये मिला के, और दूसरा ये जुड़ा हुआ है एंड से, तो ये दोनों क्या हो गए प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी लेंगे प्लूरल, क्या मीनिंग सही दे रही है, बिल्कुल सही दे रही है, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ए बी सी, अच्छा ये डी वाला पार्ट है, ठीक है, अच्छा इसमें एक गलती हो गई, यहाँ पे डी वाला पार्ट नो एरर होना चाहिए था, ये पूरा सी तक है, वो ठीक कर लेते हैं क्वेश्चन को, ये हो गया आपका ए पोर्शन, ये वाला आपका बी पोर्शन, और ये वाला पूरा मैं आपका कर देता हूं पोर्शन सी, ये हो गया आपका सी पोर्शन, और डी पोर्शन हो जाएगा नो एरर, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर थी वो मैंने ठीक कर दी है, आप समझ लीजिएगा आंसर होगा डी, और डी का मतलब है नो एरर, कोई भी गलती नहीं है सेंटेंस में, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हर क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड का समय। अब इतना आसान क्वेश्चन भी अगर मुझसे कराओगे तो कैसा लगेगा, Neither you nor your sister should. तो बताया था मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ये कौन सी लगी हुई है सिंगुलर, तो खोपचे में लोगे काट डालोगे, तो इट शुड नॉट बी टॉक, इट शुड बी टॉक्स नहीं होगा टॉक होगा, है ना, योर सिस्टर शुड टॉक, आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर, टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, A pair of socks have been missing from my wardrobe. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, A pair of socks मतलब कितने, एक पेयर की बात कर रहा है, समझे, समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं कहता हूं A pair of shoes, या मैं कहता हूं पैकेट ऑफ सिगरेट्स, या मैं कहता हूं अ स्वार्म ऑफ बीज, तो यहां पे आप सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश का मतलब है आप ये देखिए यहां पे सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, जब मैंने कहा अ पेयर ऑफ शूज तो मैंने कहा एक जोड़ा जूतों का हैज बीन स्टोलन, चुर गया है, मैंने हैज क्यों लगाया, क्योंकि मैं पेयर की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा जूते चुर गए, मैं कह रहा हूं एक जोड़ा चुर गया है, जोड़ा कितना है एक है, तो क्योंकि ये सिंगुलर है मेरे बच्चे इसलिए ये भी सिंगुलर ही रहेगा, ऐसे ही आ पैकेट ऑफ सिगरेट्स आपने क्यों बोला, क्योंकि आप सिगरेट्स की बात नहीं कर रहे, आप एक पैकेट की बात कर रहे हैं, आप पैकेट, तो ये भी क्या हो जाएगा सिंगुलर है,
तो आगे भी क्या यूज करेंगे, अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, इज नॉट इनफ फॉर हर। एक पैकेट से लड़की का काम नहीं होता, एक पैकेट में तो गर्म होती है। तो ये क्या हो गया भैया, ये सिंगुलर हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो जल्दी कैंसिल हो जाएगा अगर ऐसा कोई करता है, तो इससे बचे, हानिकारक है। ठीक है, समझाने के लिए बस सेंटेंस लिखा है। तो अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स इज नॉट इनफ फॉर हर, तो आपने इसको लगाया पैकेट के संदर्भ में लगाया, सिगरेट से मतलब नहीं है, आप सिगरेट की बात नहीं कर रहे हैं, आप पैकेट के ऊपर कंसर्न है। अ स्वार्म ऑफ बीज, तो बीज क्या है बेटा, बीज है प्लूरल, लेकिन इससे कोई मतलब ही नहीं है मेरे दोस्त, बीज की बात थोड़ी कर रहे हो तुम बात कर रहे हो स्वार्म, स्वार्म का मतलब होता है छत्ता। अ स्वार्म ऑफ बीज वॉज फाउंड नियर माई हाउस। ठीक है, तो वॉज आपने क्यों लगाया, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां पे भी सिंगुलर है। बट अगर यहां पे टू पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स हो जाता तो आप प्लूरल कर देते, अगर यहाँ पे आप पेयर की जगह टू थ्री या कोई और नंबर के साथ पेयर साथ, तो पेयर नहीं पेयर्स होता और आप प्लूरल कर देते, समझ रहे हो ना। तो इसको देख के वर्ब लगानी है, इसको देख के वर्ब लगानी है, इसको देख के, ये ऑफ के बाद वालों से मतलब नहीं है, क्लियर है। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, आप पेयर ऑफ सॉक्स, तो पेयर की बात हो रही है तो आप कह देंगे हैज बीन मिसिंग, गायब है, बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए बस 10 सेकंड काफी है। अब देखो ये भी एकदम वही पप्पू क्वेश्चन है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स आर रिक्वायर्ड, तो आप बुके आप कह रहे हैं, तो बुके का मतलब क्या होता है, गुलदस्ता, है ना, ये जो आप कहीं पे लेके जाते हैं बुके, गार्डलैंड टाइप बनवा के, गार्डलैंड बुके एक ही बात है। तो कितने हैं, कितने बुके हैं सांभा, एक बुके है, तो ये सिंगुलर हो गया, तो भाई आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज, अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज, आंसर इज बी, क्वेश्चन खत्म। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, अब एक बात याद रखो, जब भी आप यूज करते हैं आइदर ऑफ द या नाइदर ऑफ द, समझ रहे हैं, तो आप इसमें मेंशन करें या ना करें, इनका मतलब टू ही होता है। ठीक है, अगर मैं आइदर ऑफ द कह रहा हूं तो मैं दो में से एक की बात कर रहा हूं, अगर मैं नाइदर ऑफ द कह रहा हूं तो मैं दोनों में से किसी की भी बात नहीं कर रहा। जैसे मैंने कहा नाइदर ऑफ द कार्ड्स वॉस एवर रिपेयर्ड, ठीक है, तो नाइदर ऑफ द कार्ड्स जब मैंने कहा तो इससे एक बात तय हो गई कि यहां पे दो गाड़ियां हैं, टू कार्ड्स हैं, क्यों, क्योंकि दो के लिए ही नाइदर आता है, Neither का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, Either का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, आई रिपीट, Neither का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, और Either का मतलब होता है दोनों में से एक। तो Neither of the cars, दोनों में से कोई भी कार was repaired, Neither of the cars was repaired, दोनों में से कोई भी कार रिपेयर नहीं हुई है, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों में से एक की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ रूल भी दे रहा हूँ, तो इसके साथ आप क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, रीजन भी बताया क्यों, क्योंकि दो में से एक की बात हो रही है, तो आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, दोनों में से कोई एक कैंडिडेट, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, दोनों में से एक कैंडिडेट, है ना, दो बिल्कुल सही है। याद रखिए अगर यहाँ पे 3, 4, 5 कुछ लिखा होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि आइदर नाइदर दो के लिए ही यूज होते हैं, तो आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स आर नहीं होगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा, इज इलिजिबल, इज इलिजिबल, दोनों में से कोई एक कैंडिडेट है जो इलिजिबल है स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, अभी शुरू शुरू में ना कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्वेश्चंस में, उसके बाद जो क्वेश्चन भागेंगे चीते की फुर्ती के साथ।
मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, एक बार और क्लियर कर देता हूं। कहीं भी अगर आपको ईच दिख जाए, एवरी दिख जाए, एवरी वन दिख जाए, समवन दिख जाए, समबडी दिख जाए, या फिर एवरीबडी दिख जाए, इन शॉर्ट आपको कोई भी वन या फिर बड़ी वाला वर्ड दिख जाए, कोई भी वन या बड़ी वाला वर्ड दिख जाए, तो याद रखिए इसके साथ आप यूज करते हैं सिंगुलर वर्ड प्लस सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन। अब तुम कहोगे सर ये क्या बाबा है, तो सिंगुलर वर्ब का मतलब तो तुम जानते हो इज है ना, लिख देता हूं ब्रैकेट में आसान हो जाएगा। और सिंगुलर वर्ब मतलब इज हैज वाज ये वाले, और सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन का क्या मतलब है, मतलब हिम हिज ही है ना, ये वाले यूज करेंगे, हिम हिज ही नहीं करेंगे। अल्लाह साहब को पता नहीं है कि सारी की सारी लड़कियों की बात हो रही है, अगर लड़कियों की बात हो रही है तभी करेंगे। सो ईच एंड एवरी मेंबर, हर एक की बात हो रही है, हर एक मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर हैज टू वोट, हैज टू वोट, आंसर इज बी। ये मत सोचिए कि एंड लगा है तो ईच एक ही हो गया, एक ही हो गया, ऐसा नहीं है। ईच और एवरी के केस में आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ईच एंड एवरी मेंबर हैज टू वोट ना, हर एक मेंबर को वोट करना है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज रिस्पॉन्डेड टू द स्टेटमेंट। अब देखिए नन ऑफ द, अब ये मैं आपको बता देता हूं एक बात, जब भी आपको ये दिखे A lot of, quarter of, half of, one third of, या कोई भी fraction हो, two thirds of, one third of, two thirds of, quarter of, half of, plenty of, enough of, not enough of, so a lot of, quarter of, half of, one third of, two thirds of, plenty of, enough of, not enough of, ठीक है, rest of। कहने का मतलब है कोई भी वर्ड लगा के अगर ऑफ है तो अगर इसके साथ यूज होता है, याद रखिए कौन सा नाउन, काउंट नाउन, तो वो काउंट नाउन हमेशा प्लुरल होगा। काउंट नाउन कैसा होगा, प्लुरल होगा अगर काउंट नाउन यूज होता है ना। और फिर इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, प्लुरल ही होगी, प्लुरल, ठीक है, ये एक कहानी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके साथ ऐसा होता ही नहीं, इसके साथ जो नाउन आता है वो आ जाता है नॉन काउंट नाउन। नॉन काउंट नाउन वो होते हैं जिनको आप काउंट नहीं करते, कभी पानी गिनते हो, कभी किसी से बोलते हो भाई साहब जरा 300 पानी दे देना, दूध के लिए कहा है तुमने कभी किसी से कि जाके भाई साहब एक काम करो 6 दूध दे दो, 6 दूध क्या होता है, या तो 6 पैकेट बोलोगे या 6 लीटर बोलोगे, हमेशा यूनिट में बोलोगे ना। तो काउंट नॉन काउंट डाउन का यही डिफरेंस होता है कि काउंट नाउन को आप काउंट करते हैं और नॉन काउंट डाउन को मेजर करते हैं, तोलते या मापते हैं किसी पैकेट में, किसी यूनिट में, गैलन में, लीटर में, किलो में, वॉट में, ये सारे कौन से होते हैं, नॉन काउंट डाउन होते हैं जिनको आप मेजर करते हैं, क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और याद रखिए ये हमेशा और हमेशा और हमेशा सिंगुलर रहते हैं। कभी सुन तुमने सुना है कि आई हैव 3 मिल्क है ना, 30 शुगर्स नहीं कह सकते, तो एस और एस नहीं लगाते आप इनके साथ, नॉन काउंट डाउन, ठीक है। तो नॉन काउंट डाउन और नॉन काउंट डाउन के साथ जब भी आप वर्ब लगाएंगे कैसे लगाएंगे, याद रखिए सिंगुलर वर्ब,
तो कितनी आसान कहानी हो गई, अगर नॉन काउंट नाउन है इन सभी के साथ, नल ऑफ द के साथ भी, तो आप यूज करेंगे क्या सिंगुलर वर्ब, नहीं तो यूज करेंगे प्लुरल वर्ब। करके दिखाता हूं, जैसे मैंने कहा वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बताओ स्टूडेंट्स काउंट डाउन है या नॉन काउंट डाउन है, सोचो जरा। अरे स्टूडेंट्स तो गिनते ही हो ना, मैं क्या बोलता हूँ क्लास में 2000 बच्चे 6000 बच्चे, यही तो बोलूंगा, या बोलूंगा क्लास में 4 क्विंटल बच्चे, 300 टन बच्चा आया था आज क्लास में, ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैं। तो हमेशा हम उसे काउंट करते हैं, तो वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, इसलिए ये कैसा आया प्लूरल आया भैया, नाउन क्योंकि प्लूरल रहेगा, लेकिन काउंट नाउन कैसा रहेगा प्लूरल, नीचे वाले रूल पे है ये। तो वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है। तो आपने प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का इस्तेमाल कर लिया। अब मैं यहां से नाउन बदल देता हूं और इसे सिंगुलर ले जाता हूं, जैसे मैं कहूं वन थर्ड ऑफ द राइस, भाई चावल को तो सब जानते ही हो, वन थर्ड ऑफ द राइस अब राइस कौन सा नाउन है, हम जानते हैं ये नॉन काउंट नाउन है, जिसको हम काउंट नहीं करते मेजर करते हैं। कभी भी चावल लेने जाते हो क्या कहते हो, एक बोरी चावल, 4 किलो चावल, या बोलते हो भाई साहब 4 लाख चावल दे दो, आप उसके आगे नंबर नहीं लगाते, आप उसके आगे क्या लगाते हैं, कोई यूनिट लगाते हैं। तो वन थर्ड ऑफ द राइस हैज बीन सोल्ड, बेच दिए गए हैं, तो हैज क्या है सिंगुलर वर्ड, और राइस भी क्या है सिंगुलर नाउन, समझ आ गई कहानी। तो इन सभी के साथ बिल्कुल सेम रहेगा, अ लॉट ऑफ के साथ, क्वार्टर ऑफ के साथ, हाफ ऑफ के साथ, वन थर्ड के साथ, टू थर्ड के साथ, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो, प्लेंटी ऑफ के साथ, इनफ ऑफ के साथ, नॉट इनफ ऑफ के साथ, रेस्ट ऑफ के साथ, हमेशा इन सब के साथ सेम रूल आप फॉलो करेंगे। नाउन देखेंगे बस, अगर इसके साथ काउंट नाउन है तो वो प्लूरल रहेगा और वर्ब भी प्लूरल रहेगी, अगर इसके साथ नॉन काउंट नाउन है तो वो सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। इसके ये एग्जांपल भी आपको दे दिए। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नन ऑफ द कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स को तो काउंट करते हो है ना, नन ऑफ द कह रहे हो तो क्या आएगा प्लूरल वर्ब है, नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैव रिस्पॉन्डेड, आंसर इज ए बी सी इज द करेक्ट आंसर सी, समझे हैव हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब क्योंकि कॉन्सेप्ट में पढ़ाता जा रहा हूं ना तो क्वेश्चन आगे के तेज तेज करेंगे हम, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे उस पर दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखो अगली बात क्या है भैया, जब भी आप बात करते हैं नाइदर ऑफ द की नहीं कह रहा हूं, नाइदर नॉर की, नाइदर ऑफ द नहीं, नाइदर नॉर, या फिर आइदर और, किसकी बात करते हैं नाइदर नॉर की या फिर आइदर और की, तो याद रखिए वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब के क्लोज होगा, बराबर में लगा होगा, या फिर आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड लेटर, है ना, कौन सा जो के बाद में, लेटर बाद में, बाद वाला, बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लग जाएगी। तो जैसे मैंने कहा ना तो ऋषि ना ही रिहा इज हेल्पफुल टू दी अदर्स, तो इसमें नो एरर हो जाएगा, कोई गलती नहीं। अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मैं कहूं नाइदर ऋषि नॉर हिज नॉर हिज फ्रेंड्स आर हेल्पफुल,
अब क्यों बोला मैंने आर, आर अब मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहां पे फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पे रेहा थी और रेहा क्या है सिंगुलर है तो मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया, बट क्योंकि यहां पे सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो मैंने प्लूरल यूज किया। ठीक है भाई, भाई बड़ा सिंपल है, अगर बाद वाला प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब लगा देंगे, अगर बाद वाला सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब ये होता है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट, समायोजन कैसे करेंगे, है ना। जैसे एक सेंटेंस और दिखा देता हूं आपको, चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। एक और सेंटेंस देखिए, आइदर यू और रमेश हैज और हैव स्टोलन माय वॉच, क्या मतलब हुआ, या तो तुमने या फिर रमेश ने मेरी घड़ी चुराई है। तो रमेश सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले वाले को तो देखना ही नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे पहले वाले को देखा ही नहीं, ऐसे हमने यहाँ पे पहले वाले को देखा ही नहीं, बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी, बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी, इसमें भी रमेश बाद वाला है तो उसके अकॉर्डिंग हैव इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्त, तो आंसर इज ए बी सी। अच्छा इसमें तो नो एरर हमने लगाया था, ए इज द करेक्ट आंसर। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। देखो भैया ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जब भी आपको ऐसे मिलता है ना, देयर आर देयर इज, जब भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है तो आप एक बात सुनिश्चित करेंगे, देयर इज कि देयर कुछ भी नहीं होता, आप इसके अकॉर्डिंग आर नहीं लगाए, ये देयर के अकॉर्डिंग इज नहीं लगाए, इसके आगे जो चीज आती है वो इसका सब्जेक्ट होता है, समझे, कि आगे जो चीज आएगी वो इसका सब्जेक्ट, आगे जो चीज आती है वो इसका सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब लगी हुई होती है। जैसे दे आर प्लेंटी ऑफ स्पेस, तो किसके अकॉर्डिंग लगी है, स्पेस के अकॉर्डिंग, स्पेस क्या है नाउन है, यही तो नाउन है, तो स्पेस कौन सा नाउन है, नॉन काउंट नाउन, जिसको आप गिनते नहीं। कभी आप कहते हो मेरे पास 25 जगह है, स्क्वायर मीटर बोलते हो, मीटर बोलते हो, है ना, किलोमीटर बोलते हो स्पेस के लिए, हमेशा एक यूनिट का इस्तेमाल करते हो, नंबर का इस्तेमाल नहीं करते, जिन चीजों के लिए नंबर का इस्तेमाल करते हो उन्हें काउंट करते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्पेस, तो स्पेस कौन सा नाउन है, नॉन काउंट नाउन, तो देयर इज बोलेंगे आप, क्योंकि नॉन काउंट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर गेस्ट एट द वेन्यू, तो जो जगह है वेन्यू है वहां पे बहुत सारी हमारे पास स्पेस है, तो देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर गेस्ट एट द वेन्यू, आंसर इज ए। क्लियर हो गया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देयर वाले सब सेंटेंसेस में देयर के अकॉर्डिंग मत लगाओगे ना, जैसे मैं कहूं ऐसे समझ लो, देयर देयर आर फोर फ्रूट इन दी बास्केट, बिल्कुल सही बात है भाई, फ्रूट्स की बात हो रही है, एक से ज्यादा है, आपने देयर आर कर दिया, लेकिन यही देयर के साथ इज हो जाएगा, देयर इज, देयर इज एन इंसेक्ट इन द बास्केट, तो मेरे बच्चे देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगता, आगे वाले के अकॉर्डिंग लगता है, इंसेक्ट कितना है, एक इंसेक्ट है, एक ही कीड़ा है, वर्ब कैसी लगाई, सिंगुलर, फ्रूट कितने हैं, एक से ज्यादा है, चार है, तो वर्ब कैसी लगाई, प्लूरल, ऐसे यहां पे करा, स्पेस की बात हुई, स्पेस सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगाई, सिंगुलर, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव अनदर गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर यू, तो भैया देखो अगला क्वेश्चन कहता है, एक बात याद रखिए, हमारे पास दो होते हैं, एक तो होता है अ नंबर ऑफ, समझ रहे हैं, और एक होता है द नंबर ऑफ, ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को आप अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। जो अ नंबर ऑफ होता है
इसका मतलब आ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, क्या मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और इसलिए इसके साथ जब भी कोई नाउन आता है तो वो प्लूरल आता है, और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है प्लूरल आती है। अब आगे की कहानी सुन लो, द नंबर ऑफ जब आप कहते हो तो इसके साथ अगर कोई नाउन आता है तो वो सिंगुलर आता है, और अगर वर्ब आती है तो वो भी सिंगुलर आती है। अब आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ का मतलब मैनी नहीं होता, आ नंबर ऑफ का मतलब मैनी हो सकता है, पर द नंबर ऑफ का मतलब ही कुछ और होता है। नंबर ऑफ का मतलब होता है अ स्पेसिफिक नंबर, नहीं समझे, एक खास नंबर की बात आप करते हैं जब, जैसे मैंने कहा द नंबर ऑफ बाइक्स parked in the lane is 20, कितनी बाइक्स पार्क हुई हैं, 20 बाइक्स पार्क हुई हैं, कहाँ पे, लेन में, गली के अंदर। तो द नंबर ऑफ का मतलब है आप एक स्पेसिफिक नंबर बता रहे हैं। किसने पूछा भाई कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, किसी ने आपसे पूछा कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, तो आपने कहा द नंबर ऑफ बाइक्स, नंबर ऑफ बाइक जो है जो पार्क किया गया है गली के अंदर वो कितने हैं 20 है, तो द नंबर ऑफ बाइक पार्क इन द लेन इज 20 हो जाएगा, इज 20, समझे। ऐसे ही अगर आप आ नंबर ऑफ कहेंगे तो आ नंबर ऑफ का मतलब होगा मैनी, नंबर ऑफ बाइक, नंबर ऑफ बाइक्स आर पार्क्ड इन द लेन, तो आ नंबर ऑफ का मतलब है मैनी बाइक्स आर पार्क, ठीक है। तो बाइक्स क्या है प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी रहेगा, समझ आ गई बात, अ नंबर ऑफ बाइक्स आर पार्क इन द लेन, तो अ नंबर ऑफ, अब ये क्लियर हो गया। द नंबर ऑफ के साथ देखो रटने वाले चीते के लिए बड़ी आसान चीज है, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, ये तो एक बात हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको आप दूसरे तरीके से यूज करें, मतलब अगर आप चाहते हैं इसको समझ के यूज करें, तो आ नंबर ऑफ मतलब मैनी और द नंबर ऑफ एक स्पेसिफिक नंबर, तो अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिजेंबलेंस, नंबर ऑफ पॉइंट्स, आ नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब हो जाएगा मैनी पॉइंट्स ऑफ रिजेंबलेंस, रिजेंबलेंस का मतलब होता है किसी चीज का देखने में सेम दिखना, है ना, अपीयरेंस में सेम दिखना, तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ रिजेंबलेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड ड्रेविडियन लैंग्वेजेस, तो बहुत सारी पॉइंट्स जो है वो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, किसमें, ऑस्ट्रेलियन और ड्रेविडियन लैंग्वेजेस में, इज डिस्कवर्ड थोड़ी होगा, पॉइंट्स है ना, प्लूरल है, अ नंबर ऑफ है ना, प्लूरल है, तो इसकी जगह आप कर देंगे आर डिस्कवर्ड, डिस्कवर हो गए, डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद के बावजूद दैट होम्स ऑफ द टू रेसेस आर सो फार अपार्ट, जबकि अगर इन दोनों रेसेस के आप घर देखें तो ड्रेविडियन आपका इंडिया आ गया और ऑस्ट्रेलिया इतना दूर चला गया, उसके बाद भी सिमिलैरिटीज हैं इनकी लैंग्वेज के पॉइंट्स में, तो आंसर हो जाएगा आर, ए बी इज द करेक्ट आंसर, बी, समझे मेरे दोस्त। अब एक बात और समझ लो मेरे साथ, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तुमने देखा एकदम हलवा पप्पी पप्पी क्वेश्चन थे, धपा धप तुमने लगा लिए, इसी बीच बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब 10 से जो ऊपर के क्वेश्चन है थोड़े थोड़े तिरड़े होंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, 10 सेकंड का टाइम है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। अब ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज vexations and anxieties, so the strain, strain का मतलब जानते हो, strain का मतलब होता है tension, और आपने देखा ये strains तो है नहीं, singular है, strain of किस चीज का, of all the difficulties, सारी problems का, vexations मतलब irritation,
और एंग्जाइटी का मतलब होता है वरीज। तो जितना भी स्ट्रेन है किसका, डिफिकल्टीज का, वेक्सेशन का, एंग्जाइटीज का, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वेक्सेशन एंड एंग्जाइटीज वॉस मोर देन ही कुड बियर। तो वॉस नहीं होगा यहाँ पे, वर नहीं होगा यहाँ पे, वॉस हो जाएगा, वॉस मोर देन ही कुड बियर। तो आंसर इज सी, वॉस क्यों होगा, क्योंकि आप स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेन की, है ना, समझने की कोशिश करिए, है ना, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, आप स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे डिफिकल्टीज वैक्सेशन और एंग्जाइटी की बात नहीं कर रहे, स्ट्रेन की, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आप एक नया कॉन्सेप्ट मेरे साथ अब सीखने वाले, अब देखो एक बात याद रखो, कभी कभी ना हम कॉम्बो का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और वो एक जैसा काउंट, सिंगल काउंट होता है, जैसे कि स्लो एंड स्टडी, ध्यान देना ये विन होना चाहिए या फिर विंस द रेस। कई सारे सेंटेंस मैं आपको लिखता हूं इसमें, ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी फूड, इज या आर। नेक्स्ट, राइस एंड करी is or are famous in India. The Prince and The Prince and Warrior has or have been welcomed. सारे समझा दूंगा ये एक ही बार। The Prince and Princess have arrived. तो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉम्बो। कॉम्बो समझने की कोशिश करिए क्या होता है। तो जब आपने कहा स्लो एंड स्टडी, तो स्लो एंड स्टडी का मतलब ये नहीं है कि स्लो अलग है और स्टडी अलग है, साथ में होना पड़ेगा, इसका कॉम्बो चाहिए, स्लो और स्टडी का कॉम्बो चाहिए। स्लो मतलब जो संयम रखे और धैर्य के साथ चलता रहे, तो स्लो एंड स्टडी, इसलिए ये विंस द रेस होगा। ये एक ही बात है, ये दोनों का कॉम्बो है। मैं ये नहीं कह सकता स्लो विंस द रेस, स्लो के साथ स्टडी का होना जरूरी है, समझे मेरी बात। जैसे ब्रेड एंड बटर इज या आर अ हेल्दी फूड, तो अगर तुम खाली बटर बटर खा लो, है ना, तो हेल्दी फूड है वो, या खाली कच्ची कच्ची ब्रेड चाप जाओ तो क्या हेल्दी फूड है वो, नहीं, कॉम्बो में अच्छा होगा। ब्रेड एंड बटर एक कॉम्बो हो गया, तो ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी फूड हो जाएगा, क्योंकि ये दो चीजें नहीं है, कॉम्बो है, कॉम्बो। जैसे आप मैकडोनल्ड जाते हैं, आप क्या बोलते हैं कि भैया एक कॉम्बो फॉर टू दे दीजिए, कॉम्बो फॉर टू का मतलब है दो लोग के लिए एक कॉम्बो दे दीजिए। कॉम्बो एक ही होगा जिसमें वो आपको क्या करेगा, दो कोल्ड ड्रिंक देगा, दो बर्गर देगा, फ्रेंच फ्राइज देगा, है ना, तो ये क्या है, कॉम्बो है, बहुत सारी चीजें हैं पर कॉम्बो एक ही है, समझ रहे हैं मेरी बात। ऐसी आप यहाँ पे देखिए, राइस एंड करी इज और आर फेमस इन इंडिया, तो भाई क्या मतलब है, कड़ी चावल फेमस है इंडिया में। अब तुम जब कड़ी चावल खाते हो तो कैसे खाते हो, पहले सूखे चावल खा जाते हो, फिर ऊपर से कड़ी पी जाते हो, और फिर लोट लेते हो, बदन में अंदर जाके मिक्स हो जाती है, ऐसे थोड़ी करते हो, कॉम्बो है। पहले चावल लेते हो, कड़ी डालते हो, बढ़िया से घुमाते हो, है ना, तो राइस एंड कड़ी ये क्या है मेरे बच्चा, कॉम्बो है, कॉम्बो।
तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। राइस एंड करी इज फेमस इन इंडिया हो जाएगा। समझ आ गई होगी बात, मुझे उम्मीद है। ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेड एंड बटर आर दी ओनली फूड ऑफ माई डॉटर हु इज नाउ इन दी सेवेंथ ग्रेड। सातवें ग्रेड में जो आज मेरी बच्ची है उसका सिर्फ एक ही खाना है, एक ही खाना है, सिंगल फूड है, ओनली फूड है, ब्रेड एंड बटर। तो वो से एक ही कह रहा है, कॉम्बो की तरह यूज कर रहा है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे ये आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज, ए इज द करेक्ट आंसर। ब्रेड एंड बटर इज द ओनली फूड। लास्ट दो सेंटेंसेस देखते हैं। जब आपने कहा द प्रिंस एंड वॉरियर हैज और हैव बीन अराइव्ड, तो ये दो आदमी है या एक है? प्रिंस अकेला आया है, साथ में वॉरियर भी आया है, ऐसे ज्यादातर बच्चों को लगा, और बच्चों को लगा कि ये प्लूरल है, एक प्रिंस है और दूसरा वॉरियर है। नहीं मुन्ना, नहीं, ये दो नहीं है, ये एक ही आदमी है, धोखा दे रहा है। जो प्रिंस है वही वॉरियर है, जो प्रिंस है, जो राजकुमार है वही वॉरियर है, वही जंग लड़कर आया है। तो सर कैसे पता? भाई यहां पे कुछ मिसिंग है। कहां पर कुछ मिसिंग है? यहां पर कुछ मिसिंग है, यहां पर। अगर यहां पे कुछ लगा होता, कहने का मतलब है यहां पे दा लगा होता, आ लगा होता, या मैं कह रहा होता माई वॉरियर, मैं कह रहा होता योर वॉरियर, कुछ भी यहां पे लगा होता, तब ये दो आदमी होते। नहीं समझे? जैसे मैंने कहा द प्रिंसिपल एंड द ट्रेजरर आर फाउंड करप्ट, तो क्या मतलब हुआ कि प्रिंसिपल को और ट्रेजरर को, ट्रेजरर कौन है, खजांची, तो प्रिंसिपल को और ट्रेजरर को, खजांची को क्या माना गया है, करप्ट माना गया है। तो यहां पे दो आदमी है, दा प्रिंसिपल, दा ट्रेजरर, एक ये है और एक ये है, ये दोनों अलग अलग हो गए, दो हैं, और इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया। अब यहां पे ना तो दा लगा है ना आ लगा है, कुछ नहीं लगा, इसका मतलब ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, है ना। जो प्रिंस है वही वॉरियर है, तो जो प्रिंस एंड वॉरियर हैज अराइव्ड, वो प्रिंस जो कि वॉरियर भी है, ऐसा सा सेंस आएगा इसमें। तो द प्रिंस एंड वॉरियर हैज अराइव्ड। क्लियर हो गए ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। अब बचा बीच वाला, द प्रिंस एंड प्रिंसेस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बच्चे ने सोचा द प्रिंस एंड प्रिंसेस, है ना, यहाँ पे दा तो है नहीं, यहाँ दा तो है नहीं, यहाँ आ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों एक ही हैं, है ना, और वो सिंगुलर वर्ब लगाता है और उसकी भैंस पानी में चली जाती है। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करना, यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी आएगा, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो एग्जाम में दिया गया था। क्यों भाई, प्रिंस और प्रिंसेस एक हो ही नहीं सकते, ऐसा हो सकता है कोई प्रिंस है, आगे से प्रिंस है, पीछे से प्रिंसेस है, ये तो नहीं हो सकता ना, या ऊपर से प्रिंस है नीचे से प्रिंसेस है, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इतनी बात जान लीजिए कि ये दोनों अलग है, द प्रिंस एंड प्रिंसेस, ना ये प्रिंस अलग है, प्रिंसेस अलग है, दा नहीं लगाया जानबूझ के एग्जामिनर ने आपको धोखा देने के लिए, आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, ये दोनों एक हो ही नहीं सकते। तो द प्रिंस एंड प्रिंसेस हैव अराइव्ड। तो यहाँ पे आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ए होगा। इससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, कॉम्बो, कॉम्बो, कॉम्बो सीखा जाते। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, एक घंटा होने वाला है, देख रहे हो तुम, और अभी तक मैंने मुश्किल से 14-15 क्वेश्चन किए हैं, पर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाएगी चीते की फुर्ती के साथ। देखो भाई, फर्वेंट आज एक वर्ड कराया था वोकैब में, वही वर्ड तंतना के यहाँ आ गया है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। फर्वेंट का मतलब मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, ईगरली, फर्वेंटली मतलब ईगरली। तो हर एक वुमन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप दैट, अब देयर क्यों बोल रहे हो, अरे भाई अभी सिखा चुका है एवरी हमेशा सिंगुलर है, तो एवरी वुमन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप दैट हर, सिंगुलर यूज करोगे। अब हर क्यों किया, क्योंकि वुमेन की बात हो रही है, गली का कुत्ता कुत्ता जानता है कि वुमेन क्या है, यहाँ पे सिंगुलर भी है और फेमिनिन भी है, तो अगर ये फेमिनिन है तो वहां पे भी आप क्या यूज करेंगे, फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर का इस्तेमाल करेंगे। तो एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्मेंटली होप दैट हर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी, तो ए एंड बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो पप्पू क्वेश्चन था, बहुत सारों ने बना भी दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्पीड बढ़ती चली जाएगी अब,
ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, जेनरिक क्वेश्चन है. एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैव देयर अप्स एंड डाउन्स. तो एवरीबडी अगर तुम इसको काट भी दो है ना, मान लो यहां पे कुछ नहीं लिखा है, इसको मैंने काट दिया, मान लेते हैं कि यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है ना, तभी भी यहां पे क्या है, एवरीबडी हैज देयर इट्स, सिंगुलर यूज होगा सारा, एवरीबडी हैज इट्स भी नहीं क्योंकि पर्सन है, हिज अप्स एंड डाउन. क्या आप ऐसे सही करेंगे? अब ये जो बीच में दिया हुआ है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं. आप इसको मेंशन करेंगे तो भी आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरीबडी हैज हिज अप्स एंड डाउन्स, इट मस्ट बी एडमिटेड, ऐसे भी कह सकते हैं. इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाया है, ये बीच में डाला गया है, क्लॉज को बीच में डाला गया है. तो आप कहना चाह रहे हैं एवरीबडी हैज हिज अप्स एंड डाउन्स, सिंगुलर क्योंकि एवरीबडी था. आंसर हो जाएगा ए बी सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16, नाइदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट मीटिंग. अब अगर ये क्वेश्चन तुमने गलत करा है ना, तो समझ लो कि तुम चमन हो गए हो, चमन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं. मैंने आपको बताया नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, ये सिंगुलर होते हैं. तो neither of them बिल्कुल सही है. Sent his papers कहोगे ना, sent his papers, his papers क्यों कहा तुमने, उसके paper, उसके paper, B is the correct answer है. neither of them इनमें से कोई नहीं, sent his papers, अपने paper भेजे हैं time पे last meeting के लिए, B is the correct answer. ये कितना प्यारा question है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है. तो जब आप कहते हैं आइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द बुक्स, वॉज या वर फाउंड इन द लाइब्रेरी. भाई इसी क्लास से मिल जाएंगे तो मैं 5-6 क्वेश्चन तुम देख लेना एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. तो कह रहे आइदर ऑफ द बुक, तो आइदर का मतलब क्या है भाई, दो में से एक, आइदर ऑफ द बुक, तो बुक बोलोगे या बुक्स, क्योंकि किताबें हैं दो इसलिए बोलोगे बुक्स. वॉज फाउंड इन द लाइब्रेरी, दोनों में से कोई एक भी नहीं, आइदर ऑफ द बुक वॉज फाउंड, कह रहे दोनों में से एक किताब लाइब्रेरी में मिली है ना, मिली मिली थी, तो वॉज हो जाएगा, दोनों में से एक मिली थी, एक मिली थी, एक की बात होती है. पहले भी पढ़ाया आज ही की क्लास में, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन पे एक बार देख लेना. तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, सो आइदर ऑफ द रोड्स, रोड्स बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे बुक्स, क्योंकि रोड्स क्यों कह रहा हूं मैं, अरे भाई दो है ना, दो कहोगे कैसे पता, आइदर का मतलब दो ही होता है, तो आइदर ऑफ द रोड्स, दोनों में से एक रास्ता, लीड टू पानीपत, जाता है पानीपत, लीड थोड़ी होगा, लीड्स होगा, लीड्स सिंगुलर वर्ब, समझे, जैसे यहां पे मैंने यूज करी सिंगुलर वर्ब, ठीक है. ये क्वेश्चन पहले भी समझा चुका, आंसर इज बी. ना ये एक अजीब सा क्वेश्चन होता है जहां पे वर्ब तो प्लुरल आता है, जहां पे नाउन तो प्लुरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है. ये देखिए, नाउन प्लुरल सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लुरल सिंगुलर वर्ब, और ऐसे ही पीछे वाले क्वेश्चन पे भी मैंने आपको करके दिखाया. क्वेश्चन नंबर 18, फिर से 10 सेकंड आपके प्यार में. अब देखो कह रहा है द सम एंड सब्सटेंस, तो सम एंड सब्सटेंस का मतलब हो जाएगा कि पूरा कंक्लूजन, सम एंड सब्सटेंस कंक्लूजन, तो ये एक ही बात है, कॉम्बो है. सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या है, कंक्लूजन या फिर जेस्ट, निचोड़, एसेंस, तो एसेंस, कंक्लूजन, जेस्ट. तो सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज, सम एंड सब्सटेंस दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है. तो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज एज फॉलोज, आंसर इज ए बी सी इज द करेक्ट आंसर. हाँ जी, सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19,
अब आया नया कॉन्सेप्ट और यहां हमें लगने वाला है थोड़ा सा टाइम। देखो भाई, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेटिकल सेंटेंसेस। पैरेंथेटिकल में क्या होता है कि जो वर्ब होती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हो जाती है। ये कौन कौन से पैरेंथेटिकल होते हैं? ये वाले एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, अनलाइक एंड नॉट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पैरेंथेटिकल। पैरेंथेटिकल का मतलब होता है कि वर्ब शुड बी यूज्ड पैरेंथेटिकल का क्या मतलब होता है? वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट, या फिर ब्रैकेट में आप कह सकते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट, जो पहले लिखा जाएगा। इसीलिए इसे पैरेंथेटिकल कहते हैं, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंसेस मैं आपको इससे दिखाता हूं। जैसे यही वाला देखिए, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस। तो ये नहीं कह रहा पेशेंस एंड परसिवरेंस, नहीं कह रहा ये। अगर ये यहां पे एंड कहता तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। ये कह रहा है धैर्य, और परसिवरेंस का क्या मतलब होता है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। तो आर नहीं होगा, इज नेसेसरी, है ना, ए बी इज दी करेक्ट। जैसे इनमें से कुछ एग्जाम्पल देता हूं, एंड नॉट से देता हूं। मिनिस्टर्स एंड नॉट द ऑफिसर वॉज डिसलॉयल, ये क्वेश्चन आया इसके एग्जाम में। तो बच्चों को लगा मिनिस्टर्स एंड नॉट द ऑफिसर वॉज डिसलॉयल, तो ये बात समझ में आ गई, द ऑफिसर वॉज नॉट डिसलॉयल, ये वाली बात तुम कहना चाह रहे हो। बट यहाँ पे बात क्लियर नहीं हुई, वर्ब सही से नहीं लगा है, तुम मिनिस्टर्स की बात कर रहे हो, है ना, एंड नॉट लगा है ना। बेसिकली यहाँ पे ना एक छोटा सा कॉमा होता है जो आपके CDS और ND एग्जाम में नहीं दिया जाता, ऐसे ही दिया जाता है सेंटेंस जैसे ये है। इस सेंटेंस में भी एक कॉमा है, परसिवरेंस कॉमा एज वेल एज, पर ये अक्सर नहीं दिया गया होता क्योंकि पंक्चुएशन के एरर्स पे हम वर्क नहीं करते हैं, ना ही कराते हैं कंपैरेटिव एग्जाम, है ना। तो ये कॉमा नहीं होता, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सेंटेंस कुछ इसी तरीके से लिखा गया है। सेंटेंस का मतलब है मिनिस्टर्स वर डिसलॉयल एंड नॉट द ऑफिसर। क्या मतलब हुआ कि जो मिनिस्टर्स थे वो डिसलॉयल थे, ऑफिसर नहीं था। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और इसीलिए यहां पे जब आपने वर्ब लगाई है बच्चा प्लूरल, तो आप यहां पे भी प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, ये वॉज की जगह वर्ब हो जाए। एक एग्जांपल और देखिए, यू अनलाइक योर ब्रदर इज फास्टिडियस, या कुछ और वर्ड लिख लेते हैं, पीविश, चिड़चिड़ा होता है पीविश। तो कह रहे तुम चिड़चिड़े हो, अपने भाई की तरह नहीं हो, मतलब भाई चिड़चिड़ा नहीं है। तो तुम यहाँ पे किसको कह रहे हो? यू को कह रहे हो, तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे? नहीं समझे,
इस सेंटेंस को अगर तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो चाहो तो, तुम ये भी तो लिख सकते हो, यू आर पीविश, पीविश मतलब चिड़चिड़े हो, तुम चेतू हो, चिड़ जाते हो, यू आर पीविश। अल्लाह की और ब्रदर, अपने भाई की तरह नहीं हो तो तुम कहना क्या चाह रहे हो, यू आर, ये कहना चाहते हो, यू आर पीविश। तो आप इसे भी ऐसे भी कह सकते हो, यू अनलाइक योर ब्रदर, है ना, ऐसे भी कह सकते हो, क्लियर हो गया। इसे कहते हैं पैरेंथेटिकल, और याद रखिए एज वेल एज टुगेदर विद, विद अलोंग विद, इन एडिशन टू, इन सभी के साथ ऐसा होगा। मैंने आपको अनलाइक से एंड नॉट से एज वेल एज से क्वेश्चन दे दिए हैं, बाकी क्वेश्चन भी आपको आगे मिलते जाएंगे, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20th, एक घंटे से ज्यादा बीत चुका है और अभी हम 20 क्वेश्चन पे हैं, मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। इट इज आई हु इज टू ब्लेम, अरे भाई हु के अकॉर्डिंग वर्ब भी लगी है, हु सब्जेक्ट नहीं होता, पहले भी बताया है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। सो इट इज आई, आई के साथ इज लगाते हो क्या, आर लगाते हो क्या, क्या लगाते हो, एम लगाते हो। So it is I who am to blame, जिसको blame करना है। तो answer is B, it is I who am to blame. B is the correct answer. अगला question देखिए, तंतनाता हुआ। अब आसान आसान है भाई, अब speed बढ़ेगी तगड़े से। Neither your earnest pleadings, neither का मतलब है ना तो तुम्हारी earnest pleading, प्लेडिंग्स का मतलब है कोई तुमसे बड़ी विनती कर रहा है, भाई साहब गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूंगा, ये मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी गाड़ी है, मैं रोज इस पर स्क्रैच मार के जाता था, कभी इसका मैं शीशा तोड़ दिया करता था, कभी साइड मिरर तोड़ दिया करता था, कभी हेडलाइट फोड़ दिया करता था, मुझे पता नहीं थी तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हें तो मैं अपने भाई मानता हूँ, भाई साहब गलती हो गई, ऐसा कोई तुमसे कह रहा है ना, इधर योर अर्नियस, तो तुम उससे कह रहे हो ना ही तुम्हारी अर्नियस प्लेडिंग्स, नॉर योर प्रिफ्यूज टेयर, प्रिफ्यूज का मतलब होता है डीप, गहरे, नहीं समझो, मैं तुम्हें समझाता हूं हुआ क्या है। हाँ, ये तुमसे बहुत दिन से कह रही थी कि मेरे पास ना कोई फोन नहीं है अच्छा, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाती हूँ, वीडियो कॉल नहीं कर पाती हूँ, अच्छा कैमरा नहीं है मेरे फोन में। तुमने कहा अच्छा, ऐसे तुमने एक बढ़िया सा फोन लिया, आईफोन तुमने खरीदा ना, अपने जीवन भर की मेहनत की पूंजी से, या शायद तुम आईफोन नहीं खरीद पाओ, आई डोंट नॉट नो, तुमने एक अच्छा सा फोन खरीदा, शानदार था, जिसका बेहतरीन सा कैमरा हो, क्योंकि मैंने इसलिए बोला नहीं खरीद पाऊँ क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरा तो पॉसिबल ही नहीं था, कॉलेज टाइम में भी था तो मेरे पास मैं इतनी औकात नहीं थी कि मैं मोबाइल खरीद सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई भी थी, कर सकता था थोड़ी छोटी चीज़ें कर सकता था, इतना था कि मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल खुद डलवा लिया करता था, मोबाइल नहीं खरीद सकता था, और दूसरे को देना मैं तो खुद चाह रहा था कोई मुझे दे दे, तो ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं किसी दूसरे को मोबाइल दूंगा, है ना, हमारे ज़माने में नए नए मोबाइल भी आए थे, तो मान लो मोबाइल तुमसे ये कह रही है, तुमने 10-15 हज़ार रुपये जोड़ के एक अच्छा सा फ़ोन जिसका तनतनाता हुआ कैमरा है तुमने इसको दे दिया, ठीक है, अब ये वीडियो कॉल नहीं कर रही है, तुमने जियो का रिचार्ज भी करा दिया 749 वाला, 2 GB डेटा है रोज का, समझ रहे हो, तब भी वीडियो चैट नहीं कर रही है तुमसे, नंबर बिजी जा रहा है, तो तुम समझ गए फोन मेरा है, रिचार्ज भी मैंने कराया है, वीडियो चैट कहीं और कर रही है, तुम्हें आ गया गुस्सा, तुमने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है, और जब रंगे हाथ पकड़ लिया है तो कह रही नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये मेरा एक्स है, मुझे परेशान करता है, मैं छोड़ने वाली थी, बहुत सारी बातें, पर तुमने क्या बोला, नाइदर योर अर्नियस्ट प्लेडिंग्स, प्लेडिंग्स का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट, ये जो तू दिल खोल के मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है, योर प्रिफ्यूज टेयर, और ये जो तेरे प्रिफ्यूज का मतलब है डीप, इतने गहरे इतने लंबे लंबे जो तूने आंसू बहा दिए हैं, है ना, इन दोनों में से किसी भी चीज ने मेरा दिमाग नहीं बदला है, दिमाग क्या बदल गया, तुमने कहा ऐसे मेरा फोन दे, और 749 का जो रिचार्ज मैंने कराया था वो भी मैं खुद यूज करूँ, तुमने फोन छीन लिया है ना, तो कह रहे अच्छा तुम इस वजह से छीन रहे हो, तो तुमने कहा ना ही तुम्हारी अर्नियस प्लेडिंग, ना ही तुम्हारे प्रिफ्यूज टीयर्स, अब टीयर्स क्या हो गया, आंसू हो गए प्लूरल, एक आंसू तो निकाला नहीं है, इधर से भी निकल रहे हैं लंबे लंबे, इधर से भी निकल रहे हैं लंबे लंबे, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा, तुमने लगाया यहाँ पे सीधे हाफ, Have made me change my mind, है ना, दो ना ही तुम्हारी प्लीडिंग से और ना ही तुम्हारे आंसुओं से बदला है मेरा माइंड, मेरा माइंड तो तेरी हरकतों से बदला है जाने मन, सी इज द करेक्ट आंसर, समझ आई बात,
सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नाइदर ऑफ द थ्री एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है अरेस्टेड या उनको कल्प्रिट मान लो, कंसिडर्ड कल्प्रिट। एक्यूज होता है आरोपी, ब्लेम्ड। अब जरा देख लो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितनी जल्दी खत्म हुआ। नाइदर ऑफ द थ्री, अरे नाइदर ऑफ द के साथ थ्री लगा सकते हो क्या तुम? मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया कि भाई नाइदर का मतलब टू होता है, नाइदर ऑफ द मतलब टू, आइदर ऑफ द मतलब टू। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम क्या करते हो, आगे का नहीं बदलते हो, यहाँ नाइदर की जगह तुम नन कर देते हो, है ना? क्योंकि हम नन का इस्तेमाल करते हैं फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए आप नन का इस्तेमाल करते हैं। तो नन ऑफ द थ्री एक्यूज, नन ऑफ द थ्री एक्यूज का मतलब है तीनों में से कोई भी एक्यूज को कल्प्रिट कंसीडर किया जा सकता है, कुड बी कन्विक्टेड, है ना, सजा दी जा सकती है। तो आंसर इसमें ए हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि थ्री की जगह जाके टू कर देते हैं, इससे आप सेंटेंस का मीनिंग बदल देते हैं, है ना। आपने दो का तीन कर दिया, तीन का दो कर दिया, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना है ना, ग्रामर वही रखनी है, मीनिंग वही रखनी है, ग्रामर बदलनी है। उसके लिए आपको इन वाले केस में नाइदर की जगह नन करना पड़ेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, आसान आसान है ना, बन रहे हैं क्वेश्चन, उम्मीद है मुझे। यार लाइव क्लास में मजा आता है, तुम्हारे कमेंट देखने को मिलते हैं, पर कोई नहीं, यहाँ पे ना एक रिक्वायरमेंट अभी रिकॉर्डेड सेशन की है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट तुम्हारे पास पहुंचा सकें। अगला क्या है, इंडिया लिफ्टेड द वर्ल्ड कप एंड इट वॉज एन इंडियन कैप्टन हु हैज बीन ब्रिलियंट थ्रू आउट द मैच। तो क्या कह रहा है, इंडिया ने उठा लिया था क्या, वर्ल्ड कप उठा लिया था, इट वॉज एन इंडियन कैप्टन, और वो कोई इंडियन कैप्टन था, who has been, बदतमीजी हो गई, sentence अभी तक past में था, देखो यहाँ पे past था, lifted, the world cup and it was, यहाँ पे past था, हाँ, and Indian captain, who has been, थोड़ी हो जाएगा, should be, who had been, जो brilliant रहा था पूरे match में, तो कहने का मतलब है, मान लो कोहली ने कोई match जितवाया, उसी की बात हो रही है, तो answer हो जाएगा, had, सब past में, तो ये भी past में, C is the correct answer। ऐसे क्वेश्चन तो आपने मेरे साथ पहले भी करे हैं पिछले कुछ सेशंस में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हैं। द 2020 एडिशन ऑफ द एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज अलोंग विद द सिटीज अदर फेस्टिवल्स वर कैंसल्ड ऑन 8th अप्रैल, ये ऑन है, ऑन 8th अप्रैल। तो द 2020th एडिशन ऑफ द एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज अलोंग विद आ गया, तो मैंने बताया था अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, अनलाइक, बट एंड नॉट, एक्सेप्ट, ये सारे पीछे पढ़ाए हैं, तो इन सब के साथ हमेशा वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो द 2020 एडिशन ऑफ द एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज एज वेल एज द सिटीज अदर फेस्टिवल्स, तो इससे मतलब नहीं है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी, इसी के अकॉर्डिंग लगेगी, एक ही फेस्टिवल है, तो इट शुड बी वाज कैंसल्ड। कहने का मतलब है, मैं कहना चाह रहा हूं द 2020 एडिशन ऑफ द एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज, जो 2020 का एडिशन था एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज का, ठीक है, वाज कैंसल्ड ऑन 8th अप्रैल, वो 8 अप्रैल को कैंसिल हो गए, बस इतनी बात है। और आगे मैं कह रहा हूं किसके साथ कैंसिल हुआ है, along with the city's other festival, city के दूसरे festival के साथ, ठीक है, तो city के दूसरे festival इसका subject नहीं है, subject वही है Edinburgh festival, so answer is A, B, C, D, D is the correct answer, D. Next question, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद वॉज वन ऑफ दोज राइटर्स, तो कह रहा है प्रेमचंद उन सारे राइटर्स में से, प्रेमचंद वॉज वन ऑफ दोज राइटर्स, बहुत, अब यहाँ पे राइटर्स बिल्कुल सही है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा प्रेमचंद वॉज दी ओनली राइटर, वो ये नहीं कह रहा,
प्रेमचंद्र वॉज वन ऑफ दोज राइटर, बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जिनमें से एक प्रेमचंद्र, तो बहुत सारों में से एक कह रहा है, तो प्रेमचंद वॉज वन ऑफ दोज राइटर हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ सिर्फ प्रेमचंद नहीं थे, प्रेमचंद बहुत सारे राइटर्स में से एक थे, समझे मेरी बात। इसीलिए मैंने कहा प्रेमचंद, अगर मैं इसमें से ही हटा देता वन ऑफ दोज, बस लिखता प्रेमचंद वॉज द राइटर, अब राइटर होता है ना, हु वॉज लिख देता हूं प्रेमचंद वॉज द राइटर, हु वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब देखो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रेमचंद वॉज द राइटर हु वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ प्रेमचंद जी के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ऊपर के सेंटेंस में बात करेंगे तो वो सिर्फ प्रेमचंद की बात नहीं कर रहा, वो तो प्रेमचंद जैसे कई सारे राइटर्स की बात कर रहा है। वो कह रहा है प्रेमचंद वॉज वन ऑफ दोज, इसलिए यहां पर क्या लिखा है वन ऑफ दोज राइटर्स, और इसलिए यहां पर मैंने राइटर लिखा है, इसे प्लूरल बनाया है और यहां पे इसे सिंगुलर बनाया है। यहां पे सिर्फ प्रेमचंद की बात हुई है, दोनों सेंटेंसेस सही है, यहां पे सिर्फ प्रेमचंद की, यहां पे प्रेमचंद जैसे और भी, तो प्रेमचंद वाज वन ऑफ दोज राइटर्स हु वर जो अगेंस्ट थे ब्रिटिश रूल के इंडिया में। तो यहां पे वर क्यों आया, क्योंकि यहां पे राइटर्स था, यहां पे वाज क्यों आया, क्योंकि यहां पे राइटर था। आंसर इज सिंपल, कौन सा, ए बी सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक नया कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। देखो एक तो होता है मैनी आ, एक होता है आ मैनी, एक होता है सिर्फ मैनी। तो हम अब देखो इसको हम कितने आसानी से जानते हैं कि भाई मैनी के साथ हम सीधे सीधे बिना ललचाए बिना शर्माए हम प्लूरल लगा देते हैं, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, ऐसे ही तो करते हो, देखो सेंटेंस यही तो लिखते हो आप, मैनी पीपल हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी। तो मैनी के साथ आपने क्या लगाया, प्लूरल प्लूरल सब प्लूरल, कहानी खत्म। ये आप बचपन से बचपन तक पढ़ते आ रहे हैं, बट अगर आप आ मैनी कर दें तो भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तभी भी आपको ऐसे ही करना है भाई मेरे, घबराना नहीं है। मैनी आ मैनी के साथ भी आपको क्या लगाना है, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। आइए करके दिखाते हैं, जैसे मैंने कहा आ मैनी पीपल हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो। अब जरा ध्यान से सुनो, अब मैंने बोला आ मैनी पीपल, आ मैनी इसके बाद प्लूरल और फिर से प्लूरल वर्ब, तो ये दोनों एक जैसे हैं। अब तुम सोचोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, भाई डिफरेंस है सिर्फ एम्फेसाइजेशन का। कभी कभी कुछ चीजों को जब आप जोर देके कहना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस देके कहना चाहते हैं, तो आप उनसे पहले मैनी वाले केस में आ लगा देते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं मैनी के बाद आ, अब अगर मैनी के बाद आ जाता है तो आप जान लीजिए कि ये सिंगुलर हो जाएगा, आपको इसे ऐसे करना पड़ेगा मैनी आ इसके बाद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, समझे। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, मैनी आ नाउन लिख देंगे आप, मैनी आ स्टूडेंट हैज जॉइंड अस। देखो ये सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, क्यों, क्योंकि मैनी आ आ गया,
तो याद रखिए मैनी के सारे केसेस में आप प्लुरल यूज करेंगे, बट मैनी आ जाएगा तो आगे की सारी कहानी सिंगुलर रहेगी। इन सब का मीनिंग एक जैसा होता है, इन दोनों का इस्तेमाल एम्फेसाइजेशन के लिए होता है, जब आप किसी चीज पे जोर देके बात कर रहे होते हैं। तो मैनी आ लीडर, है ना, बिल्कुल सही है, मैनी आ लीडर। अब ये वर्ब भी प्रॉमिस नहीं रहेगी, प्रॉमिसेस रहेगी सिंगुलर, मैनी आ लीडर, प्रॉमिसेस फॉल्स हो, तो आंसर इज ए, है ना। बहुत सारे लीडर प्रॉमिस करते हैं झूठी उम्मीदें इलेक्शन के दौरान, और वैसे प्रॉमिस हमेशा अनफिल्ड रह जाते हैं। आंसर इज ए, मैनी आ लीडर, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन तो आया है 8 यूनिवर्सल रूल से, और मुझे उम्मीद है कि हर एक बच्चा कर देगा, गलत कह रहा हूं क्या? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, अब्राहम लिंकन जिंदा नहीं है। आप कहते हो अगर जिंदा होते, होते मतलब आपने हाइपोथेटिकल बात की। इफ लिंकन वर अलाइव, अगर लिंकन अलाइव होते, जिंदा होते, ही वुड स्टार्ट वीपिंग, तो रोना शुरू कर देते आज की कंडीशन देख के अमेरिका की। ये तो है, ये गांधी के लिए भी कहा जाता है कि अगर आज गांधी जिंदा होते तो इंडिया की हालत देख के रो जाते। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, वो गांधी लिंकन जैसे लोग ना थोड़ा प्यार व्यार में ज्यादा विश्वास रखते थे, सारी कम्युनिटीज, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई काले गोरे सब मिलके साथ मोहब्बत से रहे, ये लोग थोड़ा ऐसे जाते थे। आज तुम देख रहे हो आदमी का तो कॉलर ऊपर है, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना कोई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन कोई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे कॉमन सेंस का। जैसे काउज आर अमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, काउ गाय किस में आती है, सबसे ज्यादा जेंटल एनिमल्स में से एक है, काउज आर अमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स। इट शोज, क्यों कह रहे हो भैया, जब तुमने यहाँ पे काउज यूज कर दिया तो काउज तो प्लुरल होती है ना, तो आगे भी प्लुरल कर दो, तो इट शोज नहीं, दे शो है ना, प्लुरल रहेगा, प्लुरल। ये दिख, ये दर्शाती है मोर पैशनेट टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब सॉफ्टनेस, डेलिकेसी टूवर्ड्स देयर यंग वंस, तो अपने बच्चों के साथ ये अलग ही तरीके का बर्ताव करती हैं और अलग ही दिखता है कि गाय बड़ी प्यारी है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, मोर देन वन इंडस्ट्री, अब याद रखिए जब भी आपको मोर देन वन दिखे तो ये एक एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है। और इसे मैं एक्सेप्शन क्यों कह रहा हूं, इसे मैं अपवाद क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सुनने में ये प्लुरल लगता है। अगर मैंने कहा मोर देन वन तो तुम क्या समझोगे, एक से ज्यादा, मतलब सर प्लुरल, पर ऐसा होता नहीं है। मोर देन वन के साथ आप यूज करते हैं सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, याद रखना, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो मोर देन वन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री से ज्यादा, मोर देन वन इंडस्ट्री इज ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक पे है। बी इज द करेक्ट आंसर, ड्यू टू हाइक इन प्राइस, क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 30, यू एज वेल एज, अब बताओ ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ या नहीं, एज वेल एज से आपने पीछे क्वेश्चन करा था, पेशेंस एंड परसिवरेंस वाला, उसी पे पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया है। तो यू एज वेल एज पियोन ऑफ दिस स्कूल, द पियोन ऑफ दिस स्कूल हैज, तो यू के साथ हैज लगाते हो क्या, नहीं ना, हैव लगाते हो। तो एज वेल एज के केस में पहले वाले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगता है, ये बात आज ही पढ़ाई है। तो ए बी एंड ए बी सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या करेंगे, हैज की जगह है,
तो तुम कहना क्या चाह रहे हो, यू हैव गॉन अ लॉन्ग हॉलीडे, तुम एक लंबे हॉलीडे पे गए हो, एज वेल एज प्योन ऑफ द स्कूल, और स्कूल का प्योन भी गया है, तो कहीं तुम्हारा कुछ प्योन से तो नहीं है। ही इज द करेक्ट आंसर। चलिए बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस ना कॉन्सेप्ट तो मैं लगभग आपको सारे ही करा चुका हूँ, ये क्वेश्चंस हैं अब आपके प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो आइदर हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, अब आपने आइदर भी कहा, आइदर ऑफ द टू बिल्कुल सही है क्योंकि दो के लिए यूज हुआ, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स भी बिल्कुल सही है। बीइंग सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर, इसकी वर्ब कहाँ है, मजेदार बात, ये वर्ब पहले लग गई है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। Have either of the two candidates been selected for the post of branch manager in the Punjab National Bank? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सवाल है, पूछा जा रहा है क्या दोनों में से कोई भी, क्या दोनों में से किसी एक कैंडिडेट को भी सेलेक्ट किया गया है पोस्ट के लिए ब्रांच मैनेजर की पंजाब नेशनल बैंक है। तो सीधी सी बात है, थोड़ी होगा ये has होगा, has either of the, answer is A, PUN होता है पंजाब, A is the correct answer, है ना? Has either of the two candidate, has क्यों? क्योंकि either of the, neither of the singular होते हैं। Question number 32 को मैंने क्या बताया था? A lot of, quarter of, half of, one third of, two thirds of, है ना? ये सब मैंने आपको बताया था, क्या याद है? नहीं है? A lot of भी आप इसमें लिख लीजिए या lots of भी लिख लीजिए, अगर इसके साथ यूज होती है काउंट नाउन तो वो प्लूरल होगी, और वर्ब भी अपने साथ कैसी रहेगी? प्लूरल वर्ब लेगी, यही तो बताया था। अब अगर इसके साथ यूज हो जाती है नॉन काउंट, तो याद रखिए नॉन काउंट नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, और अपने साथ वर्ब भी कैसी लेती है? सिंगुलर लेती है, ठीक है। तो लॉट ऑफ मनी, अब यहाँ पे बच्चा फिसल गया क्योंकि बच्चा ये नहीं जानता कि मनी काउंट होती है नॉन काउंट होती है। भाई मेरे मनी इज अ नॉन काउंट नाउन, कौन सा नॉन काउंट होता है? नॉन काउंट का मतलब होता है जिसको गिनते नहीं हो तुम, मनी को मेजर करते हो जीडीपी से, मनी का मतलब वेल्थ होता है, गिनते जिसके हो वो करेंसी होती है, कॉइन्स होते हैं, आप करेंसी को काउंट करते हो, मनी को मेजर करते हैं। So a lot of money, money is a non-count noun, है ना? तो इसके साथ verb भी कैसी लगेगी? Singular, लगी कैसी है? Plural, so it should be a lot of money, needs to be spent on repair, तो बहुत सारा पैसा खर्च होना है repair में, answer is B, आसान था ना question, इसने दिमाग लगाया उसके लिए एकदम आसान था, नहीं तो difficult था। क्वेश्चन नंबर 33, अब ये टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, ये सब मैं करा चुका हूं ना, पहले भी कराया, सेम क्वेश्चन आया, तो सोहन के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? सोहन हैज कम, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सोहन हैज कम टू द पार्टी, किसके साथ? टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इन सारे केसेस में वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द subject that comes in the starting. So Sohan together with his friends has come to the party. Answer is C. Question number 34. अभी एक बात बताओ, ये जब मैं कह रहा हूँ गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो महंगे मेटल है, कॉम्बो है क्या? गोल्ड सिल्वर कॉम्बो में बिकते हैं क्या? तुम कहते हो जाके भैया सोना चांदी दिखा दो, सोना चांदी दे दो, ये कहते हो क्या? सोना अलग देखते हो, चांदी अलग देखते हो, दोनों के रेट में भी बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है ना? तो गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेशियस, गोल्ड एंड सिल्वर इज गलत हो जाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, आर प्रेशियस मेटल्स, तो कहां एरर है? बी पार्ट में एरर, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 35, टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा, अपशॉट का मतलब होता है रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस। द बॉयज ईच, ये अच्छा क्वेश्चन है,
जब आप ऐसे बोलते हैं ना द बॉयज ईच, तो ईच बॉय ये दोनों डिफरेंट है। ईच बॉय जो है ये सिंगुलर होता है, लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया द बॉयज ईच, अभी ये सिंगुलर नहीं है, आप बॉयज के लिए ही बात कर रहे हैं, पर ईच आपने सिर्फ एम्फेसाइजेशन के लिए लगाया है, ये बताने के लिए कि आप अगर इनकी अलग अलग भी बात करते हैं तो भी, है ना। तो द बॉयज ईच ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, बस इतनी सी बात याद करनी। प्लूरल का मतलब है इसके साथ यूज होगा प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, बस। और इसकी क्या पहचान है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस है कि सिर्फ आपने किस तरीके से उसको लिखा है। तो द बॉय ईच हैव अंडरस्टूड, हैव हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, हैव अंडरस्टूड, बी इज द करेक्ट आंसर। द जो लड़के हैं वो प्लान समझ गए हैं अच्छे से और उसके रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस तक भी पहुंच गए हैं, हर एक उनमें से हर एक, ये वाली बात क्या है। क्वेश्चन नंबर 36, नाइदर नीटा नॉर हर सिस्टर्स, अब मैंने तुम्हें बताया था नाइदर नॉर के केस में, आइदर और के केस में वर्ब लगेगी हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग, बाद वाला है सिस्टर्स और सिस्टर्स क्या है प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी प्लूरल, हैज की जगह आप यूज करेंगे हैव। आंसर इज ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहा जा रहा है 10 miles, ऊपर वाला सेंटेंस नहीं देखिए, नीचे वाले देखिए, 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं आप आगे वाले सेंटेंस की पोर्शन को देखते हैं, तो अगर ये आगे वाला पोर्शन किसी एक कलेक्टिव चीज की बात कर रहे होता है, किसकी चीज किसकी बात कर रहे होता है, कलेक्टिव बात कर रहा होता है, तो आप सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे 10 miles आपको कहना होगा इज, और आर गलत होगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस, आप अ लॉन्ग डिस्टेंस पे फोकस करके इसको बनाएंगे, ठीक है। तो 10 miles इज अ लॉन्ग। ऐसे ही आपने कहा 300 rupees इन एन आवर, एक घंटे में 300 rupees इज एन इजी अमाउंट, ये एक इजी अमाउंट है कमाने के लिए, मतलब अगर आपने 7 घंटे काम किया 7 × 3 = 21 2100 rupees हो गए। तो 300 rupees इन एन आवर इज is, आर नहीं होगा, इज एन इजी अमाउंट, समझ आ रही है बात, नीचे आ जाओ। 300 rupees has or have been earned, अब यहाँ पे कह रहा है वो 300 rupees, आगे उसने कुछ आ एन कुछ नहीं बोला है, वो ये बता रहे हैं कि 300 rupees अभी तक कमाए गए हैं, इसलिए ये मेरे बच्चे प्लूरल होगा, ये प्लूरल है ना, और यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। 300 rupees have been earned by now, अब तक कितने पैसा कमा लिया गया है, 300 rupees कमा लिए गए। तो $100 इज
is a lot of money for such a small box of candy. तो $300 एक box of candy के लिए बड़ा amount है. Answer is B. B. 38. लो आ गया पढ़ा हुआ question. Half of the, full of the, plenty of the, lots of, है ना, half of the class. अब class का मतलब क्या है? Half of the class was empty आप बोलेंगे या were empty बोलेंगे? तो half of the के साथ जब आपने यहाँ पे noun लगाया है ना, तो ये singular लगाया है. और class को आप count नहीं करते हैं, students को आप count करते हैं. क्लास को आप कलेक्टिव ले रहे हैं, कलेक्टिव. तो जब कलेक्टिव ले रहे हैं तो सिंगुलर लेंगे. हाफ ऑफ द क्लास वॉज एम्प्टी, आधी क्लास खाली थी, है ना. आप क्लास को स्पेस, क्लास का मतलब है यहाँ पे स्पेस, और स्पेस हमेशा कौन सा नाउन होता है? नॉन काउंट. तो हाउ हाफ ऑफ द क्लास वॉज एम्प्टी, आधी क्लास खाली थी, खाली पड़ी थी. ठीक है, तो आंसर इज ए, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. आई कैन नॉट टैकल दिस प्रॉब्लम विच विद ऑल इट्स कॉम्प्लिकेशन हैव कंफ्यूज्ड मी. अब इन क्वेश्चंस को अगेन मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे आप सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे. मैंने कोशिश करी है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जितने तरह के क्वेश्चन किसी भी कॉम्पेरेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं सारे लाके आपके सामने रख दूं, सब आपको एक्सप्लोर करा दूं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप फड़फड़ा के बना दे. तो आई कैन नॉट टैकल, कह रहा है मैं हैंडल नहीं कर सकता इस प्रॉब्लम को. किसको नहीं हैंडल कर सकता? इस प्रॉब्लम को, दिस प्रॉब्लम को. विच विद ऑल इट्स कॉम्प्लिकेशन, जो अपनी सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ मेरे पास आई है और मुझे कंफ्यूज कर दिया है. किसने कंफ्यूज किया है? दिस प्रॉब्लम ने कंफ्यूज किया है मेरे बच्चे. तो दिस प्रॉब्लम ही तो सब्जेक्ट हुआ, और अगर दिस प्रॉब्लम सब्जेक्ट हुआ तो ये इसके साथ, इसके अकॉर्डिंग ही तो वर्ब लगेगी. तो क्योंकि दिस प्रॉब्लम क्या है? सिंगुलर है, प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम है. तो वर्ब भी कैसी आएगी मेरे चीते? सिंगुलर आएगी. तो ये हैव कंफ्यूज नहीं होगा, हैज कंफ्यूज्ड होगा. एक और बढ़िया तरीका बताता हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चन करने का. से पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो और उसका वर्ब ढूंढ लो, क्वेश्चन खत्म हो जाता है. सब्जेक्ट ढूंढा, दिस प्रॉब्लम वर्ब ये है, तो हैव की जगह हैज लगा दो. दिस प्रॉब्लम सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर. आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. अब तो सारे क्वेश्चन भी एकदम पप्पू क्वेश्चन आ रहे हैं, पप्पू क्वेश्चन. शी अलोंग विद हर फ्रेंड्स आर, अरे भाई बताया ना, अलोंग विद, टुगेदर विद, विद, है ना. तो शी अलोंग विद हर फ्रेंड्स, तो किसके अकॉर्डिंग लगेगा वर्ब? शी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एज वेल एज और इन सब के केस में फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगता है. तो शी अलोंग विद हर फ्रेंड्स इज टेकिंग द एग्जाम, इज टेकिंग द एग्जाम. सी इज द करेक्ट आंसर. मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं शी इज टेकिंग द एग्जाम अलोंग विद हर फ्रेंड्स. आंसर इज सी. A large number of soldiers has died for the country. A large number of का क्या मतलब है? Large number of, a large number. मैंने बताया था, a number का मतलब है many. So a large number of soldiers, बिल्कुल सही है, ये भी plural. Has died, नहीं have died. ना, क्योंकि ये भी plural, तो आगे का भी plural. C is the correct answer. और मैंने वैसे ही बताया था a number of, a large number of, एक ही बात है, बस एक लार्ज एडजेक्टिव लगा दिया है नंबर से पहले, मतलब तो उसका भी मैनी रहेगा. तो मैनी सोल्जर्स हैव डाइड फॉर द कंट्री. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 42. ये क्वेश्चन अभी पीछे मैंने समझाया था, जो समझदार है उन्होंने कर दिया होगा. देखिए, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स बोलोगे ना. मैंने कहा था या तो ऐसे लिखोगे, ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर हु हैज पार्टिसिपेटेड. ये बिल्कुल सही है, पर तुम ये बात थोड़ी कहना चाह रहे हो कि ये सबसे ग्रेट प्लेयर है. ये कह रहा है कि बहुत सारे महान खिलाड़ियों में से एक है.
तो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हु हैव, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और ये बिल्कुल सही है. तो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन वन डे क्रिकेट मैचेस. तो ए बी इज द करेक्ट आंसर, बी में एरर है. अगर आप इसे ऐसे लिखते तो कोई गलती नहीं थी, पर आप ऐसे नहीं लिखा आपने, वन ऑफ द का इस्तेमाल हुआ है, बी इज द करेक्ट आंसर. अब ये भी तुम्हारा करा हुआ क्वेश्चन है, टुगेदर विद से भी क्वेश्चन हमने पहले किए हैं और समझाए भी हैं. सो द प्रिंसिपल टुगेदर विद स्टाफ वॉज हो जाएगा, क्योंकि टुगेदर विद अलॉन्ग विद एज वेल एज अनलाइक बट इन सब के केस में पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है. सो आंसर हो जाएगा बी, द प्रिंसिपल टुगेदर विद स्टाफ वॉज, बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44, मजा आ रहा है ना. देखो मैंने कंटेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. आत्मा तृप्त रहनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. द कैप्टन विद ऑल हिज प्लेयर्स, अब वही वाली बात है, विद लगा दिया आपने. अब बात तो कैप्टन की कर रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं द कैप्टन इज इन द प्ले ग्राउंड विद ऑल हिज प्लेयर्स, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना. तो अगर यहाँ पे एंड होता तो आप आर लगाते निश्चिंत, लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं कैप्टन विद ऑल हिज प्लेयर्स. सो विद के कारण आप पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे. पहला वाला कैप्टन है जो कि सिंगुलर है, तो ये वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी आर लेफ्ट विद द लास्ट सिक्स क्वेश्चंस, है ना. ये भी उसी पे आ गया क्वेश्चन, एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग, एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग इज कॉजिंग, इज कॉजिंग, है ना. बी इज द करेक्ट आंसर, बी, बी, ठीक है, क्योंकि आप एयर पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे. टुगेदर विद अलॉन्ग विद इन सारे केस में हम ऐसे ही करते हैं, और यही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं सब्जेक्ट पर अग्रीमेंट. अ नंबर ऑफ, आपको पता है अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, मैनी. अब लग रहा है ना सब रिपीटेड है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे में पढ़ा चुका हूं. क्वेश्चन नंबर 25, 36 सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो गए थे. अब ये आखिर के जो 20 क्वेश्चन थे तुम्हारे प्यार में प्रैक्टिस में डाल के लाया था. तो द नंबर ऑफ डिसीज्ड सोल्जर्स, डिसीज्ड का मतलब है डेड. तो द नंबर ऑफ का मतलब है एक स्पेसिफिक नंबर, बताया था ना. आ नंबर ऑफ का मतलब मैनी है, ये क्या है द नंबर ऑफ, मतलब अ स्पेसिफिक नंबर. Is not stored. तो कह रहा है एक अच्छा खासा नंबर है सोल्जर्स का जिनकी डेथ हो गई है, जिनको स्टोर में रिकॉर्ड में रखा ही नहीं गया है. एक अच्छा खासा नंबर, इट शुड बी 50, 100 या वॉट एवर जो भी इन्होंने माना है. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर की बात हो रही है. अगर आप कहते आ नंबर ऑफ तो उसका मतलब होता मैन, सॉरी मैनी, और आगे प्लूरल वर्ब आ जाते, तो आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47, तो भाई क्वेश्चन नंबर 47 कहता है मैथमेटिक्स आर जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट व्हाइल सिविक्स इज एंड्रियास फेवरेट सब्जेक्ट. तो मैथमेटिक्स आर होता है क्या, मैथमेटिक्स इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इन दैट केस यू हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ड. तो मैथमेटिक्स इज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट इज सिंगुलर, लाइक सिविक्स इज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट इज सिंगुलर. तो जब आपने सिविक्स के साथ इज लगाया है तो मैथमेटिक्स के साथ भी तो इज ही लगाओगे. सो मैथमेटिक्स इज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो है जॉन का फेवरेट सब्जेक्ट है, जबकि सिविक्स जो है वो एंड्री का फेवरेट सब्जेक्ट है. ए इज द करेक्ट आंसर. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 पे. क्वेश्चन नंबर 48, तो भाई क्वेश्चन नंबर 48 कहता है अ नंबर ऑफ पीपल वर रिपोर्टेड टू हैव फॉलन सिक आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल. अ नंबर ऑफ पीपल, तो अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, बहुत सारे जो लोग हैं. वर रिपोर्टेड, वर रिपोर्टेड, क्यों वर रिपोर्टेड, वॉज क्यों नहीं होगा, मैनी है, मैनी पीपल के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल. क्वेश्चन खत्म हो गया. उम्मीद है आप कॉन्फिडेंस आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, मेरे से पहले लगा पा रहे होंगे, है ना.
वीडियो को पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, पहले ही क्वेश्चन लगा पा रहे हो। बताया था ना कैसे करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लगाना है। इट इज दीज पेपर्स, ये वो पेपर्स दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, जिनको मैं ढूंढ रहा था। तो इट इज दीज, बिल्कुल सही है, ये वो पेपर्स है। दीज किसके लिए है? पेपर्स के लिए। पेपर्स प्लूरल है, इसलिए आपने दीज को भी प्लूरल किया। दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, जिनको मैं ढूंढ रहा था। तो नो एरर, कोई गलती नहीं है भाई, डी इज द करेक्ट। एंड हियर फाइनली वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आंसर बताइए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द ज्यूरी हैव बीन अनेबल टू डिसाइड येट। ज्यूरी का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ जजेस। ग्रुप ऑफ जजेस का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ जजेस का मतलब है, मतलब एक से ज्यादा जज होते हैं। तो ये बेसिकली प्लूरल होता है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है। जैसे हम टीम को लिए बोलते हैं, ये मैं ना इस क्वेश्चन पे ज्यादा आप ध्यान मत देना, क्योंकि इसको डिटेल में मैं नाउन की क्लास में पढ़ाऊंगा, तो ज्यादा ध्यान नहीं देना है, फिर भी समझा देता हूँ। तो जैसे ज्यूरी है, जैसे कि टीम है, जैसे कि ग्रुप है, जैसे कि आर्मी है, जैसे कि नेवी है ना, या बंच है, हर्ड है, फ्लॉक है, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्टिवली किसी चीज की बात कर रहे होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, प्लूरल भी आती है। पर जब ये कलेक्टिव बात करते हैं, सबकी बात कर रहे हैं, पूरे ज्यूरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है? मैंने बताया ये क्वेश्चन नाउन्स के संदर्भ में मैं पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और नाउन दोनों का ही क्वेश्चन है ये, पर मैं इसे नाउन्स में पढ़ाना बेहतर समझता हूँ, तो नाउन्स में आपको गहराई से समझाऊंगा। The jury has been unable to decide yet. तो jury ने अभी तक decide नहीं कर पाई। जैसे हम team के लिए बोलते हैं ना, the team is good. तो is good क्यों बोलते हैं? पूरी team की collectively बात कर रहे हो। B is the correct answer. तो मेरे चीतों ये थे 50 question. अब आपको मुझे दो चीजें बतानी है। एक तो आपको मुझे बताना है out of 50 अपना score. ठीक है? एक तो comment box में आज आपको ये दो चीजें बतानी है। एक तो बताना है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो ये बतानी है कि भाई क्लास कैसी, ठीक है? ये क्लास आपको कैसी लगी? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सारे ही कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए हैं। कोई दुविधा हो, शक हो, तकलीफ हो, दर्द हो, तो याद रखिएगा टाइगर जिंदा है। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।